भूमि आवरण, भूमि उपयोग और तापमान संबंधी 30 वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद भारतीय शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शहरीकरण एवं फसल चक्र में बदलाव से भूमि उपयोग और भूमि का आवरण बदल रहा है, जिसके कारण स्थानीय तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, साउथ एम्पटन यूनिवर्सिटी ब्रिटेन और आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में ओडिशा में वर्ष 1981 से 2010 तक भूमि उपयोग, भूमि आवरण और मौसम के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। तापमान संबंधी आंकड़े मौसम विभाग और भूमि उपयोग के आंकड़े इसरो के उपग्रहों से प्राप्त किए गए हैं। इन तीन दशकों में ओडिशा के औसत तापमान में तकरीबन 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। तापमान में सबसे अधिक 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी वर्ष 2001 से 2010 के दशक में दर्ज की गई। तापमान में 50% तक बढ़ोतरी के लिए भू उपयोग तथा भूमि आवरण के बदलाव को जिम्मेदार पाया गया है। बड़े शहरों के तापमान में छोटे शहरों की अपेक्षा अधिक वृद्धि देखी गई है। कटक और भुवनेश्वर जैसे सर्वाधिक आबादी वाले शहरों के तापमान में क्रमशः 40 तथा 50% वृद्धि दर्ज की गई है। ओडिशा के इन दोनों शहरों में शहरीकरण की दर सबसे अधिक है। इसके बाद जिन शहरों में अधिक तापमान वृद्धि हुई है उनमें अंगुल, ढेंकनाल और जाजापुर शामिल है। भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण में बदलाव से जिन क्षेत्रों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है उनमें से अधिकतर ऐसे क्षेत्र हैं जहां फसल चक्र में भी परिवर्तन हुआ है। यहां फसल चक्र में बदलाव का अर्थ खरीफ फसलों की अपेक्षा रबी फसलों की अधिक खेती करने से है। ओडिशा में वर्ष 2006 से 2010 के बीच खरीफ की तुलना में रबी की फसलों की खेती में तकरीबन 97% की वृद्धि दर्ज की गई है। फसल चक्र में यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान स्थानीय तापमान में भी सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। फसल चक्र में बदलाव के कारण तापमान में तकरीबन 30% की बढ़ोतरी हुई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मिट्टी की नमी में परिवर्तन भूमि की सतह के तापमान को प्रभावित करता है। इस अध्ययन से पता चला है कि भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण में बदलाव से क्षेत्रीय तापमान में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों के तापमान में दोगुने तक की वृद्धि हो रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि किसी स्थान के तापमान के निर्धारण में वैश्विक एवं क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों के अलावा वनों की कटाई और शहरीकरण जैसे स्थानीय गतिविधियों की भी भूमिका अहम होती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए उद्योगों एवं वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ दीर्घकालिक शहरों के निर्माण और कृषि तथा वानिकी प्रबंधन जैसे तथ्यों की ओर ध्यान देना जरूरी है।